गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हिंदू धर्म स्थलों पर गांजा का सेवन जिस तरीके से किया जाता है, इसको देखते हुए इसको लीगल कर देना चाहिए। ये बयान था अफजाल अंसारी का। लोगों ने आपत्ति दर्ज की, इस आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब इस मुद्दे पर जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म के जानकार हैं, आम लोग, आम श्रद्धालु क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, समझने के लिए इस समय हम महावीर मंदिर में मौजूद हैं। बनारस के कांदली बाजार का बहुत ये इसका अपना महत्व है। इस समय मैं इसी प्रांगण में मौजूद हूँ। महाराज जी, आपने भी बयान सुना होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं कि जब उनका विषय नहीं है, ये जनप्रतिनिधि हुए, वो अपना काम देखें, ऐसे मामलों में क्यों वो बयान दे रहे हैं? क्योंकि हमने बताया ना कि ये केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है, और ऐसे नेताओं से मेरा निवेदन है कि पहले हिंदू धर्म को जाने, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब वो हिंदू धर्म को जानेंगे तो निश्चित रूप से अपना धर्म संप्रदाय छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लेंगे। हिंदू धर्म इतना विस्तृत है और इतना सरल है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों पर गांजा का सेवन किया जाता है, इसको वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये उनका बयान था। आप इसको कैसे देखते हैं? ये उनका बयान बहुत ही गलत है, और उनको इस बात का पता नहीं कि सनातन धर्म कितना संतुलित और प्रभावशाली। अभी मुस्लिम धर्मों में 3 तलाक को लेकर विवाद हुआ है, महिलाओं के साथ इतना शोषण किया जाता है, इसका कोई उनके साथ धर्म में बहुत ही गलत काम किया है। और हिंदू धर्म को कैसे देखें, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। ऐसा करते हैं जन समुदाय से माफ़ी मांगते हैं। आप कैसे देखते हैं सर, मुकदमा दर्ज हो गया? दर्ज तो मतलब क्या है भाई, कोई एकाक पर्सन कहीं हो किसी आश्रम में, लेकिन सबको एक तराजू तौल, ये गलत है। हाँ। ये उनका बयान गलत है, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, संपूर्ण हिंदू सनातन धर्म उन्होंने लांछन लगाया है। उन्होंने कुंभ को भी जोड़ दिया। हाँ, कुंभ को जोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही किया है। तो अपना सुर्खी बटोरने के लिए, चर्चा बनाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान किया, ये गलत सरासर। गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर, मुकदमा दर्ज हो गया गौरी बाजार में, कैसे देख रहे हैं? आप सना बोलने वाले नेताओं के बारे में क्या कह सकते? वो साधारण नेता नहीं है, वो सांसद है गाजीपुर। सांसद क्या है, सांसद ऐसा ही है, हवा में 3 मार के सांसद है, सांसद क्या होगा? सांसद की कोई योग्यता कुछ नहीं है, बस खाली सही बस ऐसा ही झूठ साज अनुपन बोलना, झगड़ा मार दंगा कराना, सांसद हो गए, यही सांसद है। तो बारे में हम क्या, ऐसे नेताओं के बारे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या लगता है? नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जब उन्हें समाज से मतलब है, न देश से मतलब है, न कानून से मतलब है, सबका धंधा ही है। मतलब सुबह उठे और कुछ बोल दिए, कुछ बोल दिए, अपना धंधा शुरू कर दिए, यही इनका काम है, यही कहता है। इसके बारे में कोई समय खर्च करना बेकार है, बेकार है। आप क्या कहेंगे? हाँ, जो गाजीपुर के सांसद ने कहा मुकदमा दर्ज हुआ, तो आम आदमी, आम श्रद्धालु संतुष्ट है कि मुकदमा दर्ज हो गया? चलो देखिए, सामान्य व्यक्ति या किसी पदाधिकारी या सांसद, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, किसी भी धर्म के विरुद्ध धर्म पे टीका टिप्पणी किसी भी व्यक्ति को शोभनीय नहीं। इसके लिए हमारा संविधान कहता है, देखिए, किसी के निष्ठा पे, धर्म पे, श्रद्धा पे आघात नहीं करना, नहीं देखिए। और रह गई बात उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना कराना, ये हमारी सरकार का काम है, और उनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें गिरफ्तारी संभव है नहीं है, वो तो पुलिस प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, मैं समझ गया। तो महाराज, एक आखिरी सवाल, मुकदमा दर्ज हो गया है, आप लोग संतुष्ट हैं, इसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने गलत किया है तो न्याय संगत कार्रवाई हमारा शासन प्रशासन करेगा, और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ये शासन प्रशासन का काम है, गलत तो उन्होंने किया, इसमें कोई दोहरा नहीं। चलिए, उनका बयान बहुत ही निंदनीय है, बयान सांसद का निंदनीय है।
आपत्तिजनक है, मुकदमा दर्ज हो गया। अगर प्रशासन को लगता है कि इस मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएँ आज और दूसरे नेताओं के लिए भी एक सबक का काम करेगा, जिसको जो मन है, कम से कम धार्मिक मामलों में तो जिसको जो मन है वो नहीं बोले, एक गाइडलाइन तो कम से कम जारी होनी चाहिए।